वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास थर्ड और आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। तो आज हम रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड। ये एक्सरसाइज जो कि रोमन नंबर्स पे आधारित है, अगर आप रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे तो इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रोमन नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रोमन नंबर्स। आखिर रोमन नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, रोमन नंबर्स टू सो नंबर्स द रोमन न्यूमरल सिस्टम्स यूजेस लेटर्स एज सिंबल। दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कंटेन्स सेवन सिंबल्स। देखिए, रोमन नंबर्स को, रोमन नंबर होते क्या है, हमारे जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरल सिस्टम होता है, उन्हें एक सिंबल्स के तौर पर, सिंबल्स के रूप में, लेटर्स में शो किया जाता है। ओके, यानी कि नंबर्स को लेटर्स के रूप में, यानी कि सिंबल के रूप में शो किया गया है। और आपको दिए गए हैं यहाँ पर सेवन सिंबल्स। सबसे पहले हम देखेंगे आई, जो हमारा सिंबल है, ऊपर की साइड में रोमन सिंबल दिए गए हैं और नीचे हिंदू अरेबिक नंबर दिए गए हैं। हिंदू अरेबिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, और इन नंबर से बनने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे आप 100 बनाएं, ओके, वो सभी इन 10 नंबर से मिलकर के ही बनते हैं। ओके, 150, 1000, 1 लाख, जो भी नंबर्स इनसे बनेंगे, दोस नंबर्स आर कॉल्ड द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 1, 5, 10, 50, etc, ये सभी क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं। और ऊपर की साइड हम देख रहे हैं रोमन सिंबल्स। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो सिंबल दिया गया है आई, जो शो करेगा वन को। जहाँ भी आपको आई लिखा मिले रोमन नंबर्स में, रोमन सिंबल आपको मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वन होता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं वी, वी जहाँ पर होगा, इसका मतलब क्या होगा, वी का फाइव। ओके, वी का मतलब हमेशा फाइव। एक्स का मतलब क्या है, टेन। ओके, एक्स बराबर है टेन के। एल जो सिंबल है वो किसका प्रतीक है, फिफ्टी का। यानी कि जहाँ भी एल लिखा होगा, इट मीन्स क्या होता है कि वहाँ फिफ्टी, यानी कि फिफ्टी है। सी हमारा जो सिंबल है वो डिनोट करेगा हंड्रेड को। ओके, सी विल डिनोट द हंड्रेड नंबर। एंड डी विल डिनोट 500। डी का मतलब क्या हो गया, 500। और एम जो हमारा होता है, एम फॉर 1000। जहां भी एम होगा, एम सिंबल होगा, इसका मतलब क्या होगा, 1000। एक बार फिर से देख लेते हैं, आई का मतलब वन, वी फाइव, एक्स इक्वल टू टेन, एल इक्वल टू फिफ्टी। ओके, और जो सी सिंबल है हमारा, वो हंड्रेड का हंड्रेड को डिनोट करता है, यानी कि सी बराबर हंड्रेड हो गया यहाँ पर। और डी मीन्स 500 और एम मीन्स 1000। ओके, तो ये सभी हमें सेवन सिंबल्स दिए गए हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। तो अब हमें यहाँ पर जो न्यूमरल सिस्टम हमारा जो था, वो रोमन न्यूमरल्स में हो गया है और रोमन नंबर्स की हमारी एक्सरसाइज आगे आएंगी। लेकिन हमें उससे भी पहले करना क्या है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम इसको जो हमारा रोमन नंबर्स हैं, किस तरह से हम लिखेंगे। देखिए, लेफ्ट साइड में आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे भी नंबर्स हैं। उन सभी को हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम जो नंबर्स हमें हैं, फर्स्ट वन को मैंने अभी बताया, वन को लिखा जाता है क्या, वो आई। ओके, एक बार आई लिख देते हैं। अगर हमें टू लिखना है तो हम टू को टू टाइम्स आई लिखेंगे। ओके, अगर थ्री लिखना है तो थ्री टाइम्स, हमने आई कैपिटल आई बना दिया यहाँ पर। ओके, ये सभी कैपिटल में होना चाहिए, थ्री टाइम्स, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। और अगर हमें
फोर लिखना है, तो देखिए ऊपर हमें फोर का तो कोई सिंबल दिया नहीं गया था यहाँ पर, राइट। लेकिन हम फोर को इन्हीं जो हमारे रोमन सिंबल्स हैं इन्हीं के द्वारा हम बनाएंगे इसको, इन्हीं के थ्रू बनाएंगे। तो हाउ वी वी मेक, कैसे हम बनाते हैं इसको, आप देखिए। फोर को हम लिखेंगे, सबसे शुरू में आई लगाएंगे और फिर लिखेंगे वी, क्योंकि वी जो सिंबल है वो हमारा होता है फाइव का। और अगर हम किसी भी छोटे सिंबल को बड़े सिंबल से पहले ले आते हैं तो इट मीन्स क्या होता है, उतना ही जो छोटा वाला सिंबल है उसमें से माइनस हो जाता है, राइट। जैसे हम यहाँ पर करें, वी हमारा फाइव है और हम वी से लेफ्ट साइड में आई लिख दें, तो इट मीन्स क्या होगा कि हमारा जो वी था वी फाइव था, फाइव में से वन गया तो फोर बच गया, तो उसकी वैल्यू फोर हो जाएगी। ओके, यानी कि बड़े सिंबल में से अगर लेफ्ट साइड में हम कर देते हैं, फिर से आप सुन लें ध्यान से, तो उसमें से उतना ही हम माइनस कर देते हैं, जो आता है वो उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर फोर बनाने के लिए हमने क्या किया, वी डिनोट करता है हमारा फाइव को, और उससे पहले हमने वन लेफ्ट साइड में आई बना दिया, तो इस इट मीन्स हो गया फाइव में से वन गया तो फोर बचे, तो इस ये वैल्यू हमारी फोर की हो जाती है। अगर हमें थ्री बनाना है तो थ्री ऊपर दिया गया है, तीन बार, एक बार के एक सिंबल को हम तीन बार लिख सकते हैं केवल, चौथी बार किसी को नहीं लिखना है हमें। ओके, हमें ये ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ देखिए फाइव हमें लिखा हुआ है, तो फाइव तो ऑलरेडी सिंबल है, वी का मतलब फाइव होता है, तो हमने वी लिख दिया। यहाँ पर सी आप देख रहे हैं, सॉरी सिक्स आप देख रहे हैं, सिक्स का मतलब क्या है, अब सिक्स भी हमें ऊपर नहीं दिया हुआ है कहीं भी, तो हम सिक्स को भी वैसे ही बनाएंगे। किस तरह से, अगर हम राइट साइड में, अगर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो माइनस कर देते हैं उतने, और राइट साइड में अगर हम लिखते हैं तो उसे प्लस कर देते हैं जो भी उसकी वैल्यू होती है। तो हमने सिक्स बनाने के लिए क्या किया, सिक्स नंबर के लिए पहले वी लिखा, वी का मतलब फाइव होता है, ओके, अभी ऊपर स्टडी करके आए हैं हम, और राइट साइड में एक आई बना देंगे कैपिटल, तो वी और आई फाइव, और ये प्लस हो गया फाइव और वन सिक्स, क्योंकि इसका मतलब वन होता है, फाइव और वन सिक्स, तो वही वैल्यू सामने है। ऐसे अगर हम सेवन लिखेंगे तो सेवन के लिए हमें वी लिखना है, फिर दो बार आई बनाना है सामने इसके आगे, राइट, राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड वाली वैल्यू को हम प्लस करेंगे। ओके, तो फाइव और सिक्स और वन सेवन, तो ये वैल्यू सेवन हमारी हो जाएगी। अगर एट हमें लिखना है तो हम वन टू थ्री, यहाँ पर देखो थ्री हम आगे आई बना देंगे कैपिटल, तो वी फाइव हो गया, सिक्स सेवन एंड एट, तो इसकी वैल्यू हमारी एट हो जाती है। ऐसे अगर हम बात करते हैं नाइन की, तो नाइन कैसे बनेगा, अब हमने ऊपर देखा था कि हमारा जो एक्स होता है वो टेन होता है, ओके, अब आगे हम डंडे नहीं खींच सकते इसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, हम केवल तीन बार इसको लिख सकते हैं, एक सिंबल को हम थ्री टाइम्स लिख सकते हैं केवल यहाँ पर, ओके, फोर टाइम्स हमें नहीं लिखना है बिल्कुल भी, राइट। तो हमें नाइन बनाना है, तो नाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमारी टेन होती है, तो वैसे ही जैसे मैंने बताया था, अगर हम लेफ्ट साइड में एक डिजिट कोई इसमें बना देते हैं, आई बना देते हैं या वी बना देते हैं, इट मीन्स क्या होता है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं बड़ी वाली वैल्यू से, तो हमारी एक्स से पहले हमने देखो यहाँ पर आई लिख दिया कैपिटल, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस एक्स की वैल्यू में से इसे माइनस कर दो, जितने यहाँ लिखे जाएंगे उसे माइनस कर दो, ओके, तो एक्स में से वन गया तो नाइन बच गया, तो यहाँ पर हमारा नाइन वैल्यू है। ऐसे हम बात करें टेन की, तो टेन के लिए देखो ऊपर दिया गया है एक्स इक्वल टू टेन, राइट, एक्स किसका सिंबल है, टेन का, तो यहाँ तो ऑलरेडी टेन है तो हमने एक्स लिख दिया है, ओके। ऐसे ही हम आगे भी इसके सिंबल्स इसी तरह से बनाते जाएंगे, बहुत आसान है, आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करें, एक बार अपने आप भी इसको देखेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये। और इलेवन यहाँ पर दिया गया है, तो इलेवन लिखने के लिए हमने क्या किया, एक्स बनाया, क्योंकि एक्स की वैल्यू टेन होती है, और राइट साइड में हमने अगर आई लिखा कैपिटल, ओके, इस तरह से एक डंडा खींचा, तो इट मीन्स क्या होगा, एक्स टेन और प्लस वन इलेवन, तो इसका मतलब इलेवन हो गया। ऐसे ट्वेल्व के लिए हम क्या करेंगे, टू टाइम्स इसको लिखेंगे एक्स के राइट साइड में, तो टेन और प्लस टू 12, 13 हमें लिखना है, तो 13 के लिए हम थ्री टाइम्स इसको लिखेंगे, एक्स लिखा और एक्स के आगे थ्री टाइम्स इसको लिखा हमने, तो
और प्लस 3 13। अगर हमें 14 लिखना है तो 14 के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू तो 10 है ओके, और हमें 4 चाहिए, लेकिन हमने 4 के लिए हम पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 4 के लिए हमने आई वी लिखा था ओके। तो बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि वी का मतलब 5 होता है ओके, तो वी का मतलब क्या होता है, 5 होता है, लेकिन 4 बनाना है तो 5 से पहले एक हम आई लिखेंगे कैपिटल ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 बन जाएगा और 10 और 4 14 हो गया। ऐसे 15 के लिए x और v आ जाता है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और v की वैल्यू 5 होती है, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, क्योंकि देखिए यहाँ x जो है बड़ी वैल्यू है और v जो है हमारी इससे छोटी वैल्यू है, और वो v इसके राइट साइड में लिखा हुआ है, तो राइट साइड वाला हमेशा ऐड होता है, प्लस हो जाता है ओके। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको। अगर हमें 16 लिखना है तो 16 को भी हम x v और i, क्योंकि 6 बनाना है तो vi करना पड़ता है, तो x को हम x लिखा, x 10 और प्लस 6 16 राइट। तो बाकी 17 भी इस तरह से लिखा जाएगा, 18 भी इस तरह से, आप देखो किस तरह से लिखा हुआ है, बहुत आसान है। ऐसे 19 हमें लिखना है तो x, एक तो x हो गया यहाँ पर, x की वैल्यू 10 है, और दूसरा 9 हमें लिखना है, क्योंकि x 10 प्लस 9 तभी तो 19 होता है। और 9 किस तरह से बनता है, अगर हम 10 से पहले 1 लिख दें, i लगा दें, तो वो 9 की वैल्यू है, तो यहाँ x और प्लस i x, इट मीन्स क्या हो गया, 10 और प्लस 9 19, तो ये 19 वैल्यू है। ऐसे ही हमारा 20 वैल्यू के लिए x और x को दो बार लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 10 होती है, ऊपर देख रहे हैं आप x की वैल्यू 10 है, तो 10 और प्लस 10 हमारा 20 यहाँ पर ओके। तो बाकी जो आपको कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं, इसी तरह से सभी न्यूमरल्स को हम रोमन नंबर्स में, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में हम चेंज कर सकते हैं। देखिए अब बाकी और जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर्स में चेंज किया गया है, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, एक बार देखें इसको ओके। थैंक यू।